में 4 साल तक रहे तो मुख्तर मैं ये करूँगा कि अगर इससे पहले उलमाए किराम ने से अमली तौर पर इसी के लिए माली मसाइल कर, अगर माली मसाइल ना होंगे तो हम काम नहीं कर। अर्ज मेरी तरफ से तो कम से कम ये है कि ये सवाल बारह पहले भी हमने डिस्कस किए तो बड़ी होगी आपसे ज्यादा मसर होगी, लेकिन इंशाल्लाह अपनी स्ट्रेंथ के लिहाज से अपनी तादाद के लिहाज से अपनी असर पसीरी के लिहाज से अंजमन तलबा इस्लाम आज पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी तलबा तंजी है। तो ये अखलास की दौलत भी एक बहुत बड़ा हथियार है। आप खलूस नीयत से इस काम को आगे बढ़ाते चले जाएं, वसाइल की कमयाबी इंशाल्लाह कभी बहुत बड़ी रुकावट नहीं करती। तो 20 सालों की तारीख को दोहराना जरा मुश्किल है कि ये 20 बरस का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। मैं मुख्तसरन ये अर्ज करूँगा कि इस मौजूदा सूरत हाल में आपके लिए 3 अल्फाज जो हैं वो बराए गौर पेश खिदमत है। अपनी सफों में इत्तेहाद रखें, जब तक आपके अंदर इत्तेहाद है अमीर की कयादत को तस्लीम करते हुए उस आवाज पे आप लब्बैक कहते रहेंगे। सियासत के शीशे में जरा जर्क बर्क सा माहौल है, अंजमन के तलबा भी उससे मुतासर होते हैं। सियासत कितनी ही ज्यादा अहम क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी की तमाम चीजों तमाम आरजुओं तमाम जरूरतों पे मुहित नहीं हो सकती। जहां से हम तरबियत ज्यादा नौजवान पाकिस्तान के हर शोबे में भेजना चाहते हैं, वो शोभा सियासत भी होगा, वो शोभा सहाफत भी होगा, वो शोभा सोशल वर्क का भी होगा, वो शोभा माहरीन मुआशियात का भी होगा, वो शोभा रिसर्चर्स का होगा, वो शोभा प्लानर्स का होगा, वो शोभा टीचर्स का होगा, वो शोभा बैंकर्स का होगा। तो जिंदगी में बड़ी भूखल बनी एक सियासत जो है वही आपका मतम नजर पर बनना रहे। तामीर में मुमित मोहन सबक नहीं, बहुत सारे लोगों की तवानाना सलाहियतें पैनलिस्ट से चाहिए, लीडर शादी नहीं सीरत शादी हो। हम अच्छी सीरत और किरदार के इंसान पैदा करेंगे और वो तमाम लोग जो अच्छी सीरत से मुसल्ला होंगे तनजीमी जहन रखेंगे वो इंशाल्लाह जिस जिस शोबे में जाएंगे वहाँ अंजुमन के मकासद को जाने रब राज करेगी। ATI किस पे राज करेगी? ATI कोई सियासी तंजीम नहीं है, तो उसमें पार्लियामेंट के सारे जाके वो काम कर रही है और वहाँ पे जाके वो राज करेगी। ATI आदमी के सीने पे मोहब्बतों के जरिए से माँ बाप के आंखों का तारा बनके उस्तादों के एहतराम के साथ उनके दिलों पे राज करेगी, तो मैं भी आपके साथ। लेकिन आपके नारे थोड़े थोड़े दूसरी तरफ को जाते सब फिल्म से भी नहीं जरूरी नहीं, ये नए दौर की बात है। जुल्म का जवाब शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया और जज़ीद क़यामत तक मरता रहेगा, हुसैन अब तक जिंदा। जरूरी नहीं है कि खून बहा के ही आप जो है वो अपने जज्बात का इजहार कर पाए। आप ये सोचें कि हमने तामीरी अंदाज में आगे बढ़ना है। अभी तक ATI का दामन ऐसी आलाइशों से पाक है, किसी जगह बीसी को नहीं मारा गया, किसी जगह किसी प्रिंसिपल की बिस्ती नहीं की गई, किसी जगह किसी क्लासरूम में अपने उस्ताद मोहतरम क्या किसी करते हैं, खातून के बाद तीन जवाब क्यों रहा,
मैं माजरत के साथ इशारा करूंगा कि किसी सीनी जमात के दस्तूर में यह लिखा हुआ था कि भाई कोई सदर तौर पर दो टाइम से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वो शेख भी तब्दील कर दिया तो हमारी दो सोचे सफाई का उन्होंने पता नहीं वो उनका मौत है। मैंने मिसाल के तौर पर बात की कि एटीआई को इंशाल्लाह ये शर्त हासिल है इस मुल्क के अंदर के नीली फौज से मंजिल मुसलमान की सितारे किस तरह से राह हो वो कार मासूम है तो आखिर बाबा हमें